Hello, dear students. So, my today's topic of discussion is blood, which is very important. Before reading circulatory system in human or animals, we all have to have a basic idea of blood. So, what is blood? Why the color of blood is red in color? So, we are going to discuss. So, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें सबसे बेसिक पहले ब्लड के बारे में पढ़ना होगा, फिर कुछ ब्लड वेसल्स पढ़ने होंगे और हमें फिर एक मेजर ऑर्गन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। उसकी कैसे प्रॉपर वर्किंग होती है स्टूडेंट्स, वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पाथवे का सर्कुलेशन का पाथवे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से जिसका नाम है ब्लड। और मैं आपको बता दूं कि ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, दिस इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड दिस लुक्स रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और ब्लड वेसल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरीके की ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो चलिए ब्लड को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ब्लड रेड कलर का है जो कि हमारी पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है रेड क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कंपोजिशन बताऊंगी ब्लड का, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो ब्लड के पास दो कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली प्लाज्मा पार्ट है और ब्लड सेल्स का पार्ट है। तो जो लगभग 55% जो ब्लड है वो प्लाज्मा से बना होता है, फ्लूइड पार्ट जो ब्लड का है, और लगभग 45% हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स मिलते हैं। और ब्लड सेल्स तीन तरीके के हैं, आरबीसी जिसको कि मैंने लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का भी स्टूडेंट्स एक और नेम है ल्यूकोसाइट्स, और रेड ब्लड सेल्स का एक और नेम है एरिथ्रोसाइट्स। आगे हम लोग कुछ इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है स्टूडेंट्स, 5 लीटर ब्लड एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में आपको मिलेगा। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जिस प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये आपको फेंट येलो कलर का दिख रहा है, ब्राइट येलो कलर ये है जो एक एरो बना हुआ है, दिस इज फेंट येलो इन कलर। And I already told you it will form 55% fluid part of blood. अगली बात अगर हम लोग करें स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग, तो इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं 7-8%, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हैं। और इस ब्लड प्लाज्मा में एक एंटी कोगुलेंट स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को कोगुलेशन से रोकता है। कोगुलेशन का मतलब ब्लड क्लॉट करने से रोकेगा, और उस एंटी कोगुलेंट का नेम स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं हिपेरिन, दैट विल बी हिपेरिन, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और आगे की बात अगर हम लोग स्टूडेंट्स करें तो ब्लड सेल्स लगभग से लगभग 55% प्लाज्मा ने बना लिया ब्लड का कंपोनेंट, बचा हुआ 45% ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये तीनों मिलके लगभग 45% पार्ट बनाते हैं ब्लड का। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है इनकी डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, क्या इनका फंक्शन है, क्या रोल है, इनकी कितनी लाइफ स्पैन होती है, कहाँ पे ये बनते हैं, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, वो सारी चीजें डिटेल में हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में डिस्कस करेंगे। दिस इज ओनली अबाउट ब्लड इंट्रोडक्टरी पार्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड यू कैन से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।